कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध के दावे का मुद्दा गर्म। बीजेपी ने बेंगलुरु में किया हनुमान चालीसा का पाठ। बीजेपी सांसद शोभा कंदरलाजे ने प्रदर्शन की अगुवाई की। केरल स्टोरी पर एमपी में भी गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुक किया फिल्म का टिकट। साध्वी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को द केरला स्टोरी फिल्म देखने की। यूपी में निकाय चुनाव के साथ ही बीजेपी लड़ रही है कर्नाटक का चुनाव। फिल्म द केरल स्टोरी का मुद्दा अब यूपी में गर्म। यूपी में टैक्स फ्री होगी फिल्म। अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में कांग्रेस ने आज प्रमुख अखबारों में दिया चुनावी इश्तेहार। कल बीजेपी को ऐसे ही प्रचार पर चुनाव आयोग को भेज चुका है नोटिस। कांग्रेस ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए ईसी से की थी शिकायत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले पीएम मोदी ने विकास योजनाओं का किया गुणगान। जनता से की अपील, लोकतंत्र महापर्व में बढ़ चढ़कर करें मतदान। कर्नाटक को नंबर वन बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिए। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सियासी घमासान तेज। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने फिल्म को किया बैन। ममता सरकार के इस फैसले से बीजेपी में रोष। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी बंगाल बीजेपी। ममता बनर्जी का संगीन आरोप, गलत तथ्यों के आधार पर फिल्म मेकर को पैसे देकर बंगाल फाइल्स फिल्म बनवा रही है बीजेपी। केरला स्टोरी देखने के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिल्म ने आतंकवाद को नए रूप में किया है उजागर। बंगाल में केरला स्टोरी फिल्म बैन करने को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया गलत। पूछा टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां आईसिस जैसी संस्था के साथ क्यों हैं। केरला स्टोरी को वैसी ने बताया झूठी फिल्म। कहा ये सब आईएसआईएस वाले देखकर हो रहे होंगे खुश। फिल्म द केरला स्टोरी के बहाने ओवैसी ने पीएम पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म के बन गए हैं प्रमोटर। बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म बैन होने पर प्रोड्यूसर विपुल शाह का बयान। कहा अगर राज्य नहीं सुनेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। केरल में ही नहीं भोपाल में भी लव जिहाद। फिल्म द केरला स्टोरी लोगों को कर रही है जागरूक। अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी फिल्म पर बैन का किया विरोध। उन्होंने कहा अगर कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से हुई है पास तो फिल्म पर रोक ठीक नहीं। बजरंग दल का विरोध कांग्रेस को पड़ा भारी। वीएचपी और बजरंग दल की ओर से आज देश भर में किया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर। रविन्द्रनाथ जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अमित शाह के दौरे को लेकर सियासी घमासान शुरू। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले 6% तक कांग्रेस बढ़ा देगी मुस्लिम आरक्षण तो किसका कटेगा कोटा। कांग्रेस की संप्रभुता वाले ट्वीट के बाद बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। संप्रभुता वाले ट्वीट पर आयोग ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मांगा जवाब। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का दावा 224 में से कांग्रेस को मिलेंगी 141 सीटें। बेलगावी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। विकास के नाम पर मिलेगा वोट। शिवमोगा के शिरलकोप्पा में पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा ने किया भव्य रोड शो। तारा अनुराधा और अभिनेता किच्छा सुदीप रहे मौजूद। कर्नाटक में मांड्या चुनावी प्रचार के अंतिम वक्त में बीजेपी के एक मंत्री ने हनुमान का लगाया मुखौटा। जय हनुमान कांग्रेस ने नाम के लगाए नारे। कर्नाटक में बीजेपी के हार की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की भविष्यवाणी। बोले उन्माद वाली राजनीति नहीं आएगी काम। दूसरे चरण के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी लगाया जोर। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। अखिलेश के रोड शो के दौरान बुलडोजर पर सवार दिखे कुछ समाजवादी कार्यकर्ता। पहली बार अखिलेश ने ही सीएम योगी को कहा था बुलडोजर बाबा। यूपी में 11 मई को होगा निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान। 38 जिलों में डाले जाएंगे वोट। धुआंधार प्रचार में जुटी पार्टियां। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी पर बरसे बीएसपी नेता इमरान मसूद। आजम खान को पार्टी ने बताया बेबस। कहा मुस्लिम नेता के लिए समाजवादी पार्टी बन गई है कत्लगा। आपने बिल्कुल सही फैसला किया समाजवादी पार्टी छोड़ने का। समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडर की कत्लगा बन गई है कत्लगा।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी मंत्रालयों ने मांगी गई रिपोर्ट, आज ही सभी मंत्रालयों को सौंपना है पूरा ब्यौरा। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। आज ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात। विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए लगातार कर रहे हैं दूसरे राज्यों का दौरा। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पार्टी के झंडे पर बैन लगाने की मांग की, बोले तिरंगे से छेड़छाड़ कर बनाया कांग्रेस ने अपना झंडा। झंडा विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तगड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े साजिश का पर्दाफाश, साजिश के तहत कर्नाटक के लिए अलग झंडा पेश। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, बिल्किस बानो ने दर्ज कराई थी याचिका। आनंद मोहन के रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, बिहार सरकार ने मांगा जवाब। मणिपुर कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुस्लिमों की 4% आरक्षण का है मामला। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 की मौत, 37 नए मामले सामने आए। अमृतसर पुलिस ने हेरिटेज स्ट्रीट के पास के होटल के जगहों में की छानबीन, एनआईए ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। केजरीवाल के बंगले की जांच की मांग को लेकर एलजी को कांग्रेस नेता अजय माकन ने लिखी चिट्ठी, दिल्ली के सीएम पर मुकदमा चलाने की मांगी मंजूरी। चंडीगढ़ में देश के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, आज से आम जनता को मिलेगी एंट्री। देवरिया स्पीकर ओम बिरला की पहल पर खेली गई क्रिकेट प्रतियोगिता, उद्घाटन मैच में पहली गेंद पर ओम बिरला ने जड़ा चौका। मौसम की मनमर्जियों के बीच केदारनाथ में भक्तों का नहीं कम हो रहा उत्साह, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर झूमते गाते बढ़ा श्रद्धालुओं का जत्था। राजस्थान के पाली में कठोर सूर्य साधना में लीन हुई साध्वी निष्ठा प्रिया, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौन धारण कर करती है ध्यान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का मंडल कला दौरा, भगवान धरणीधर के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल। केदारनाथ धाम में फिर से बदला मौसम का मिजाज, भारी बर्फबारी से शुरू हुई वहां पर रौनक। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी जारी, उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गंगोत्री धाम से भीषण बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने, बर्फबारी और बारिश के बीच दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कुल्लू के मनाली लेह राजमार्ग पर हुई भारी बर्फबारी, हिमपात की वजह से सैकड़ों गाड़ियां बीच में ही फंसी। जम्मू कश्मीर में इस महीने के अंत में होने वाला है G20 का शिखर सम्मेलन, सुरक्षा के लिए अधिकारी श्रीनगर में करेंगे आज बैठक। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी इस अहम बैठक में होंगे शामिल, सुरक्षा के इंतजाम पर होगी बात। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा G20 अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में हाल ही के आतंकी हमले हैं, इस प्रकार के हमलों को रोकने पर होगी बात। LG जम्मू कश्मीर बैठक की करेंगे अध्यक्षता, इसमें JKP CRPF BSF आर्मी IB रॉ आदि के बड़े अधिकारी होंगे शामिल। बर्फबारी के बाद केदारनाथ में मौसम साफ रहने पर पुनर्निर्माण सामग्री को लेकर वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतरा केदारनाथ। भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फ की चादर से ढक गई गाड़ियां, अटल टनल रोहतांग के पास 500 गाड़ियां बर्फ में फंसी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में एवलांच की जगह श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद, सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी परत, बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की परेशानी। बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, ओले पड़ने से किसानों की फसलें हुई तबाह, किसानों ने मुआवजे की मांग की। मंडी में भी बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं टमाटर समेत कई फसलें तबाह, किसानों की करोड़ों की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने प्रशासन से मांगा उचित मुआवजा। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी खराब, जगह जगह वाटर लॉगिंग ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर।